लेक्चर नंबर 37 की प्रिपरेशन करेंगे। कोर्स माया से 610 है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है जी। बहुत शॉर्ट लेक्चर है, कंजेशन कंट्रोल और एक NAT डिटेल। सबसे पहले हमने पढ़ना है कंजेशन कंट्रोल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिट्रांसमिशन कैसे होती है, कि जब आपका एक डाटा बहुत अच्छे तरीके से सेंड नहीं होता या प्रॉपरली सेंड नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको रिट्रांसमिट करवाते हैं। कंजेशन कंट्रोल का यहाँ पर ये काम है कि वो इस रिट्रांसमिशन के प्रोसेस को अवॉइड करता है, कि कोशिश करता है कि ये हो ही ना। द गोल इज़ टू अवॉइड एडिंग रिट्रांसमिशन टू एन ऑलरेडी कंजेस्टेड नेटवर्क, कि जो एक ऑलरेडी कंजेस्टेड नेटवर्क है उसके अंदर ये चांसेस ना हो, बल्कि अवॉइड किया जाए कि रिट्रांसमिशन ना हो, कि एक ही बार जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से सेंड हो जाए। सेकेंड पैरा में देखें, रिड्यूसिंग द विंडो साइज क्विकली। फिर वो क्या करता है, रिड्यूस करता है विंडो के साइज़ को इन रिस्पॉन्स टू द लॉस्ट मैसेजेस डज इट। जो फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है जितने भी मैसेज लॉस्ट हुए होते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट लॉस्ट इज़ ड्यू टू कंजेशन, कंजेशन की वजह से लॉस्ट होता है, ये अज्यूम किया जाता है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट क्या याद रखने हैं, सिर्फ अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लें। जब भी कंजेशन कंट्रोल की बात आए, आपने ये कहना है कि ये जब भी रिट्रांसमिशन होती है उसको अवॉइड करता है, कि रिट्रांसमिशन ना ही करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, विंडो के साइज़ को रिड्यूस करता है। फिर क्या करता है कि जितने भी मैसेज लॉस्ट हुए होते हैं जब हमने पहली बार डाटा सेंड किया था, उनको रिस्पॉन्स करता है। और फिर ये अज्यूम करते हैं कि जितना भी डाटा लॉस हुआ है वो कंजेशन की वजह से हुआ है। अगर कंजेशन कंट्रोल हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप अपने डाटा को सेंड करें, और तो आपको रिट्रांसमिशन नहीं करनी पड़ेगी और आपका डाटा लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो NAT डिटेल्स है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि की पॉइंट्स ऑफ NAT डिटेल्स, या फिर लिखेंगे कि 2 or 3 लाइन्स अबाउट NAT डिटेल्स। इसमें अगर आप सबसे पहला पॉइंट देखें, साइट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर ऑब्टेन्स अ सिंगल वैलिड IP एड्रेस। आप एक साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 4-5 फ्रेंड्स आप एक साइट को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक सिंगल IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी एक USB का, किसी एक वाईफाई डिवाइस का। तो NAT डिटेल्स जो हैं वो ये कहता है कि इट असाइंस अ प्राइवेट एड्रेस टू ईच कंप्यूटर एंड यूज NAT बॉक्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। उन्होंने कहा है कि NAT जो है जितने भी कंप्यूटर हैं उनको अलग अलग एक NAT बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिसको वो कह रहा है कि ये एक प्राइवेट एड्रेस है, ताकि वो इंटरनेट के साथ अलग अलग कम्युनिकेट कर सकें या कनेक्ट हो सकें। फिर क्या होता है, NAT ट्रांसलेट एड्रेस इन डाटाग्राम्स। नेट जो है वो ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस जो हमारे पास होता है उसको IP डाटाग्राम्स में। सिंपल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये बिठा लें कि जब भी आप किसी एक साइट का इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक सिंगल IP एड्रेस का होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट में आप देखें कि जब एक से ज़्यादा आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो नेट हमें ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आपको एक नेट बॉक्स दे देगा, जिसको हम कहते हैं कि ये एक प्राइवेट एड्रेस है। उस प्राइवेट एड्रेस के ज़रिए हम अपने नेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपको MCQs भी आ सकता है कि जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं, हम एक IP वैलिड हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, या फिर हमें कौन सा बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेट एड्रेस की फॉर्म में, नेट बॉक्स। फिर नेट बॉक्स क्या करता है, ये भी आपको आ सकता है, डैश ट्रांसलेटर एड्रेस इन IP डाटाग्राम। सो आप वहाँ पे नेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास नीचे IP एड्रेस है जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है, ठीक है, ये वाला IP एड्रेस है। फिर दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक नेट बॉक्स होगा, वो हमने ये पढ़ा, ये है हमारा नेट
बॉक्स, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कि जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आईपी एड्रेस को आईपी डाटाग्राम की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सारा इस लेक्चर का निचोड़ है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए इतनी मेहनत के साथ प्रिपेयर करती हूँ एक लेक्चर को, आपका हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हक भी मेरा हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।